फिलहाल मैं हूँ चंदौली स्टेशन के पास में, एक छोटी सी स्टेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस स्टेशन का झलक व्यूज। काफ़ी छोटी स्टेशन है और काफ़ी खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन। एक जो यूपी के जो स्टेशन है चंदौली, आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। हेलो अखम राइस मूड ब्लॉग तो सब आप लोग जे मैं इतना बर्तमान आसो यूपुर स्टेशन चंदौली। इतना मोर बर्तमान गाड़ी जो ऊलाल इतना फ्रेंड्स मेरी जो गाड़ी अभी चल रही चंदौली स्टेशन से। ये जो स्टेशन है काफ़ी छोटा है पर साफ सुथरा है और आपको अच्छे लगेंगे, देख के अच्छा लगा। जितना भी छोटा स्टेशन है जहाँ पे आबादी कम इलाके में जो स्टेशन है काफ़ी खूबसूरत है, सुंदर है और साफ सुथरा। आप देखिए स्टेशन का कितनी साफ है। चंदौली। हेलो फ्रेंड्स, आप देखिए कितने खूबसूरत पेड़ लगे हैं, ये खेती किया हुआ है पेड़ ऐसे लगा है, कपास की जो शायद थी कपास की जो पेड़ है, ये कटन की जो पेड़ है, ये है कपास की खेती। उत्तराखंड में जो है कपास की खेती देखने मिला है हमको। काफ़ी भारी मात्रा में जो कपास की खेती होती है फ्रेंड्स यहाँ पे, यहाँ जो फेमस है कपास की खेती। फ्रेंड्स आप देखिए इतने खूबसूरत है, पूरी दूर दूर तक ये कपास की खेत जो है फैला हुआ है। ऑसम ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स अभी मैं हरिद्वार पहुंचूंगा कुछ चार पांच स्टेशन के बाद, छोटी छोटी स्टेशन है चार पांच, उसके बाद मैं पहुंचूंगा देर हरिद्वार, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कुछ झलके हरिद्वार की व्यूज दिखाऊंगा। फ्रेंड्स मौसम ब्यूटीफुल, जो खेत है आप देखिए खूबसूरत लग रहा है।
हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी पहुंचा हूँ एक स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन का नाम है जो लश्कर, जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में गिरता। फ्रेंड्स, ये जो स्टेशन है उत्तराखंड की एक रेलवे स्टेशन है लश्कर। इसके बाद आपको पहुँचेगा थोड़ा कुछ देर बाद में देहरादून। यहाँ से देहरादून जो काफ़ी करीब है, यहाँ से आप लोग आइए तो लश्कर में। फ्रेंड्स, नियर स्टेशन फॉर देहरादून इज लश्कर। आप लश्कर आने के बाद में ये नॉर्थ रेलवे का रेलवे स्टेशन जंक्शन है लश्कर रेलवे स्टेशन। यहाँ से देहरादून की डिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है। यहाँ आने के बाद पहुँचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन का नाम है जो लश्कर, जो उत्तराखंड में गिरता। फ्रेंड्स, ये जो स्टेशन है उत्तराखंड की एक रेलवे स्टेशन है लश्कर। इसके बाद आपको पहुँचेगा थोड़ा कुछ देर बाद में देहरादून। यहाँ से देहरादून जो काफ़ी करीब है, यहाँ से आप लोग आइए तो लश्कर में। फ्रेंड्स, नियर स्टेशन फॉर देहरादून इज लश्कर। आप लश्कर आने के बाद में ये नॉर्थ रेलवे का रेलवे स्टेशन जंक्शन है लश्कर रेलवे स्टेशन। यहाँ से देहरादून की डिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है। यहाँ आने के बाद पहुँचने के बाद आपको देहरादून की तो समय है काफ़ी कम लगेगा देहरादून यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, ये जो स्टेशन है लश्कर देहरादून, नया स्टेशन इज देहरादून। अभी मैं हूँ लश्कर स्टेशन पे। फ्रेंड्स, मैं जो गाड़ी पहुंची अभी लश्कर पे, जो एक उत्तराखंड के रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लश्कर से जो देहरादून की डिस्टेंस कम है। हेलो कमराइज, गुड मॉर्निंग। अपना जो मेरे बर्तमान से लश्कर रहता है उत्तराखंड रेलवे स्टेशन, यार पर जो देहरादून समय कम लगे, यार पर लश्कर पर अपनी एनी गाड़ी पा यार अपनी यारे आक लश्कर पर गाड़ी एवेलेबल आज देहरादून। यार पर डिस्टेंस कम है लश्कर पर। আপনাদের সব যে মূল ব্লগ লাভ ইউ আসাম লাভ ইউ লাভ ইউ অল। हेलो फ्रेंड्स, ये लश्कर स्टेशन जंक्शन है जो उत्तराखंड की एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ से देहरादून होती जाती है। यहाँ से पहले हरिद्वार, उसके बाद देहरादून, बड़ी स्टेशन।
हेलो फ्रेंड्स, अभी जो मैं हूँ चंदोग स्टेशन पे पहुँचा हूँ। ये उत्तराखंड की एक स्टेशन है, छोटी सी स्टेशन है फ्रेंड्स। ये जो स्टेशन है काफ़ी साफ सुथरा और जो पैसेंजर यात्री कम बहुत ही कम है। हेलो फ्रेंड्स, ये जो है गन्ने का फ्रेंड्स है, जो यहाँ चीनी बनती है और गुड़ बनती है यहाँ गन्ने के खेत से। बर्तमान मैं आसो उत्तराखंड अयोध्या। खेती चाय आज अपनी पथार पूरा गन्ना खेती कुहार खेती है जो कुहार खेती सब चेनी जे कुहार खेती गन्ने का जूस पीता है आसाम गुवाहाटी में। अपने देखा है गन्ना जूस जो गन्ना खेती इन पूरा माटी राइज राइज गन्ना खेती जिम्मे पड़े हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी एक स्टेशन पे पहुंचा हूँ जवालापुर। यहाँ से हरिद्वार आगे जवालापुर है फ्रेंड्स। ये छोटी सी स्टेशन है, इसके बाद में हरिद्वार की स्टेशन आएगी। फ्रेंड्स, ये जवालापुर जी स्टेशन है काफी साफ सुथरा है। उत्तराखंड की जो रेलवे स्टेशन है, हर कई स्टेशन आप जाइए जो ऐसे ही मिलेगा, जो डिसिप्लिन और नंबर डिसिप्लिन। इस स्टेशन को मैं ए प्लस देता हूँ, ग्रेडिंग इसका जो ग्रेडिंग है ए प्लस, फाइव स्टार ए प्लस। जवालापुर स्टेशन वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड। हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे शहर जो है उत्तराखंड की है, इसके बाद आपको पहुँचेगा हरिद्वार। ये हरिद्वार के रोड जब जाती है। हेलो आसाम, अपने सबसे मूल ब्लॉग टू बटन में आसो उत्तराखंड गई आसो और अपने सब भल पाए तो भल लगे ये चाय। रास्ता तो फ्रेंड्स राइज हरिद्वार गई आज रास्ता तो मैं ट्रेन ऊपर पर देखा अपन रेलवे स्टेशन हरिद्वार पाव बर्तमान।
हेलो फ्रेंड्स, अभी पहुंचेंगे गाड़ी जो है रेलवे स्टेशन हरिद्वार। आपका स्वागत है रेलवे स्टेशन हरिद्वार पे, और आप देखिए मेरे ब्लॉग पे, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। फ्रेंड्स, आप पहुंच रहा हूँ हरिद्वार स्टेशन, जो हरिद्वार से उत्तराखंड की एक बड़ी स्टेशन है हरिद्वार, जो यहाँ आके हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग आइए, हरिद्वार स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है। अहम राइज वेलकम टू हरिद्वार स्टेशन, मोहिता बटोपना से हरिद्वार स्टेशन। फ्रेंड्स वेलकम टू हरिद्वार। पहुँचा हूँ हरिद्वार स्टेशन, जो एक बड़ी स्टेशन है उत्तराखंड की, जो धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है। यहाँ पे जो तीर्थ यात्री लोग यहाँ आके जो भोले बाबा की जल चढ़ाते हैं, हरिद्वार में जो गंगा की जो नदी है यहाँ आते हैं, और काफ़ी धार्मिक स्थल है हरिद्वार। और आप लोग आइए हरिद्वार, और बहुत अच्छा लगा यहाँ उतर के हरिद्वार स्टेशन पे। हूँ फ्रेंड्स, अभी यहाँ का जो मैं हरिद्वार स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ, और उम्मीद है जो अपने ब्लॉग का पसंद आएगा। अहम राइज वर्तमान में ऐसे हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, वर्तमान जो खूब घूमने लगे थे नामी किने, और हरिद्वार स्टेशन पालू ही जे भले भले पालू ही। इतना आशा करूँ अपने मैंने कि हरिद्वार स्टेशन चाह फ्रेंड्स, आप
को बहुत अच्छा लगा यहाँ उतर के हरिद्वार स्टेशन पे। फ्रेंड्स अभी यहाँ का जो मैं हरिद्वार स्टेशन से तस्वीर दिखाता हूँ और उम्मीद है जब मेरा ब्लॉग का पसंद आएगा। अपम राइस वर्तमान में ऐसे हरिद्वार रेलवे स्टेशन और वर्तमान जो खूब घूमने लगे थे नामी किने और हरिद्वार स्टेशन पालू ही जे भले भले पालू ही इतना आशा करूँ अपने से आने मैंने क्या हरिद्वार स्टेशन चाह जे और फ्रेंड्स आप लोग देखिए जो मेरे ब्लॉग को आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे और हरिद्वार आपको वेलकम। फ्रेंड्स ये जो रेलवे स्टेशन है हरिद्वार की है वो मेरे जो ट्रेन है ये स्टेशन जो है काफी नीट एंड क्लीन काफी खूबसूरत स्टेशन है। यहाँ पे पब्लिक जो काम है जो अभी जुलाई से जो बोलबम की यात्रा होगी उस समय से भीड़ होगी अभी फिलहाल जो है कम है। फ्रेंड्स अभी जो गाड़ी चलती है हरिद्वार से अभी पहुंचेगी कुछ देर बाद दो घंटे बाद शायद पहुंचेगी देहरादून। इससे पहले और काफ़ी स्टेशन है छोटी छोटी अभी फिलहाल गाड़ी छोड़ दी है हरिद्वार स्टेशन से। हेलो आसाम इतना बर्तमान गाड़ी एरिल हरिद्वार स्टेशन पर मैं इतना गई आसो देहरादून পাবহি অলপ পাছত দেরাদুন ইটা এটা হরিদ্বার স্টেশনের বুক দেখা আছে মই খুব ধুনিয়া বিউটিফুল হরিদ্বার মোবাইল কা দেখা যায় কেন हेलो फ्रेंड्स ये जो जगह है गंगा जो बहती है उसका आकृति ही मिलता है। ये जो लोकेशन है हर की पौड़ी उत्तराखंड की जो लोकेशन अभी मैं दिखा रहा हूँ हर की पौड़ी उत्तराखंड है यहाँ से जो गंगा जो निकलती है यहाँ से ही अमृत जो होती है गंगा की आकृति ही पे जो स्थान है।
देहरादून में जो खूबसूरत वादियों में बसा है I'm trying.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देहरादून। मेरी गाड़ी जो है अभी देहरादून इन कर रही है। अभी कुछ ही मिनटों में मैं देहरादून पहुंचूंगा। अभी फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्पर ब्लॉग। हेलो आसाम, मैं बड़ो देहरादून पालू ही आपका साउथ जे मूड ब्लॉग टू देहरादून ब्लॉग टू तो दुनिया ब्लॉग हो फ्रेंड्स। करूंगा वहां अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हूं, आपको मिलता हूं। बाय बाय। और हम पहुंच गए हैं देहरादून स्टेशन की। और जो उम्मीद है जो आज की ट्रैवल जो देहरादून की काफ़ी अच्छी रही और आपको पसंद आएगा शायद ब्लॉग जो इस ब्लॉग का, प्लीज़ वॉच माय ब्लॉग फुल वीडियो देखिए फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग से, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वेलकम टू देहरादून, ब्यूटीफुल देहरादून।